हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सर्दियों में दही को कैसे जमाएं, ये मैं दही जमाना आज मैं आपको बताऊंगी। सर्दियों में दही को जमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। गर्मियों में तो आप किसी भी बर्तन में आप दूध को रख दें और एक चम्मच दही डाल दें, वो वैसे ही जम जाती है। लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुश्किलों से दही जमती है, और इसका मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी किस तरह से दही आप जमाएं अगर नहीं जमे तो। गाइस चलिए जमाना शुरू करते हैं दही को। हम एक मैंने देखिए मिट्टी का बर्तन ले लिया है और इसको मैंने गर्म करने रखा है। ये देखिए इसमें मैं दूध डाल दूंगी, आधा से पौना लीटर दूध है ये। ये देखिए सिंपल जो हमारे फ्रिज में जो दूध होता है, सिंपल मलाई उतरा हुआ, ये वो वाला दूध है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर वही वाला दूध रखा होता है फ्रिज में। और ये देखिए थोड़ा सा दूध ये है, मैं दो तरह से आज जमाऊंगी, इसे कैसरोल में जमाऊंगी और वो वाला मिट्टी के बर्तन में था। सो गाइस ये देखिए दूध इतना गर्म होना चाहिए कि आप जब उंगली डालें तो एकदम तेजी से दूध लगना चाहिए उंगली पे, कि तेज गर्म हो गया है दूध। सो गाइस ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम तेज लग रहा है, मतलब धुआं उठ रहा है। उबलने से थोड़े कम पर गैस आप बंद कर दें, दूध आपका परफेक्टली गर्म हो जाएगा। और ये देखिए मैं उसमें दही डाल रही हूँ, ये जामन जो होता है जो हमारे पास फ्रिज में रखा रहता है, थोड़ा सा दही। ये देखिए दो चम्मच मैंने अच्छे से भर के दही डाला है इसमें, दो या तीन चम्मच भी आप डाल सकते हैं सर्दियों के मौसम में। और ये देखिए विस्कर की सहायता से मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, ये नहीं हो तो आप चम्मच की सहायता से भी अच्छे से फेंट सकते हैं, इससे दही का एक एक रेसा दूध में चला जाएगा। सो गाइस देखिए इस तरह से आप इसको फेंट लें बिल्कुल अच्छे से, और ये देखिए फिट गया है दूध हमारा काफ़ी अच्छे से, देखिए झाग भी हो गए हैं। तो अब हम इसको रख देंगे। आपने देखा मैंने ब्लू कलर की जो नीचे ये सॉल लगाई हुई है, वो मैंने इसलिए रखी है ताकि ये दूध बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। तो मैंने एक ही बार में नीचे मैंने स्लैब पर इसको बिछा दिया है सॉल को। आपके पास घर में पुरानी सॉल होंगी या कोई भी स्वेटर हो वो आप नीचे लगा सकते हैं। सो गाइज ये देखिए मैंने अब ये देखिए मटकी वाला दूध भी ले लिया है, ये भी एकदम तेज गर्म है, ये देख सकते हैं आप, मैंने उंगली डाली है, तेज एकदम दूध लग रहा है उंगली पर। तो अब हम इसमें भी दही को डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से मैंने इसमें दो से तीन चम्मच भर के दही इसमें भी डाल दिया है। सो गाइज मटकी के नीचे मैंने एक मोटा सा कपड़ा रख लिया है जिससे ये सॉल पर एकदम से चिपके नहीं, क्योंकि मटकी एकदम तेज गर्म है। इसको भी देखिए मैंने अच्छे से विस्कर की सहायता से एकदम फेंट लिया है। ये देखिए एक ही मोशन में अच्छे से हम फेंट लेंगे, और ये देखिए इसमें भी बहुत अच्छे से झाग बन गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी दही का एक एक रेसा दूध के अंदर एकदम पूरे में फैल जाना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा दूध एकदम फिट गया है, और ये दही जमने के लिए दूध हमारा एकदम रेडी है। सो गाइज अब हम इसको ढक देंगे, ये मेरे मटकी वाला ढक्कन है इसी से ढक दिया है, ये नहीं हो तो आप कोई छोटी प्लेट से भी आप इसको ढक सकते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने दोनों एकदम दही जमाने के लिए ये दूध के बर्तन तैयार कर लिए हैं, कैसरोल तैयार है, ये मिट्टी वाला बर्तन भी तैयार है। तो अब हम इसके ऊपर एक छोटी सी टॉवल रखेंगे, और इसके ऊपर भी हम एक छोटी सी टॉवल रखेंगे जिससे ये अच्छे से अंदर टेम्परेचर हमारा गर्म बना रहे। सो गाइज अब हम सॉल को ओवरलैप करेंगे। ये देखिए अच्छे से हम कैसरोल को भी ढक देंगे इसी सॉल से। ये देखिए बड़ी सॉल है, मैंने नीचे आधी बिछा दी है और आधी मैंने ऊपर से, देखिए इस तरह से मैं पूरी इसको ढक दूंगी। सो गाइज इसको अब हम ओवरनाइट के लिए ऐसे ही रख देंगे, बिल्कुल इसको हिलाना नहीं है, बिल्कुल कोई बच्चा छुए नहीं, इसलिए ऊंची जगह पे रखते हैं आप, थोड़ा गर्म जगह पर ही रखें। सो गाइज ये देखिए अब ये सुबह हो गई है, तो अब मैं इसको हटा करके चेक कर लेती हूँ। मैंने आराम से देखिए सॉल वगैरह सब हटा दूंगी, तौलिया भी मैंने देखिए हटा दी है, और अब मैं कैसरोल को धीरे से एकदम खोलूँगी। सो गाइज आप देख सकते हैं हमारा दही एकदम रेडी है और एकदम तैयार है। ये देखिए आप देख सकते हैं दही हमारा कितना बढ़िया जमा है सर्दियों के मौसम में। ये देखिए बस ये रात भर मैंने रख दिया था ऐसे ही, बिल्कुल हिलाया नहीं है, और कितना बढ़िया हमारा दही एकदम जम के तैयार हो गया है। मैंने इसीलिए पहले ही सॉल ऊपर और नीचे दोनों कवर कर दी थी, क्योंकि बार बार इधर से उधर हिलाने में दूध को तो ये हमारा दही सही से जमेगा नहीं। सो गाइज आप देख सकते हैं चम्मच से बिल्कुल भी दही गिर नहीं रहा है, एकदम परफेक्टली देखिए ये जमा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना कटा हुआ दही हमारा बढ़िया सा जमा हुआ है। सो गाइज कैसरोल का तो जम गया है, तो अब हम देख लेते हैं अपने मिट्टी वाले बर्तन का। देखिए मैं इसे भी बहुत ही आराम से देखिए कपड़ा सब हटा रही हूँ, और ये देखिए ढक्कन मैंने इसका अब खोल दिया है। सो गाइज इसका दही अब हम देख लेते हैं, ये क्या इसका तो दही जमा ही नहीं। अब आप देख सकते हैं कि एक का जम गया है, एक का नहीं जमा है।
तो अब हमें इसका क्या करना है? अब ये वाला जो दूध है ना तो इसको पिया जाएगा और ना ही इसकी चाय बन सकती है। तो गाइज आप ये देखिए, इसमें देखिए हल्के हल्के दही के रेसे भी हैं। अब हम इसका क्या करें? सो गाइज इन दिनों ये परेशानियाँ सभी के साथ आती हैं और ये काफ़ी लोगों के साथ भी ये परेशानी आ चुकी होगी। सो गाइज अब मैं इसका आपको एक ट्रिक बताऊंगी, जो कि हमारा 15 से 20 मिनट के अंदर ही ये हमारा दही जम जाएगा। सो गाइज मैंने देखिए एक बड़ा भगोना ले लिया है, जिसमें मैंने मिट्टी का बर्तन आधा डूब जाए उतना पानी ले लिया है और एकदम तेज़ गर्म कर लिया है पानी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, 20-25 मिनट के अंदर पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए तेज़ गर्म कर लीजिएगा पानी। और ये देखिए गर्मियों का मौसम है तो वो तो वैसे ही जम जाता है दही। और ये देखिए मैंने मटकी को इसमें डाल दिया है। सो गाइज देखिए ये बिल्कुल डूबेगी नहीं, देखिए आधी है ये। इस तरह से आप मटकी को पकड़े रहें तो बस, और ढक्कन लगा देंगे, ये वजन से ही नीचे एकदम आराम से बैठ जाएगी। ये देखिए अब मैंने इसको छोड़ दिया है और अब ये पानी ठंडा ना हो जाए तो इसके लिए हम ऊपर से ढक्कन लगाएंगे। ये देखिए आप, मैंने इसको ऊपर से भी अच्छे से कवर कर दिया है, जिससे पानी ठंडा नहीं होगा। सो गाइज अब हम इसको करीबन आधे घंटे तक बिल्कुल भी नहीं छुएंगे और आधे घंटे बाद अब मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए अब मैं इसका ढक्कन हटाती हूँ, हमारा दही एकदम जम चुका है। सो गाइज आप देख सकते हैं, मैं अब इसको बर्तन में से निकाल लूँगी बाहर। तो गाइज आप देख सकते हैं इस ट्रिक से हमारा दही जो दूध बना हुआ था वो एकदम दही बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको देखिए चम्मच पर इसको निकाल के दिखाऊंगी। ये देखिए कितना परफेक्टली हमारा दही एकदम कटा हुआ, एकदम दही जिसको बोलते हैं वो एकदम बन के तैयार हुआ है। और मैं देखिए चम्मच से जब मैंने निकाला है तो ये देखिए कितना परफेक्टली दही जम के तैयार हुआ है। सो गाइज हमारी मटकी का दही भी जम के तैयार है, कैसरोल का दही भी एकदम परफेक्टली तैयार है। मैंने इसको हल्का हल्का चम्मच से फेंट दिया था, क्योंकि जब हमने कट लगाया दही को तो थोड़ा सा पानी तो आ जाता है। ये देखिए मैं दोनों दही को मैच करके दिखाती हूँ, एकदम परफेक्टली एकदम उसका थिकनेस बरकरार है। सो गाइज हमारे दोनों दही एकदम जम के तैयार हो गए हैं, वही टेस्ट है इसका, एकदम से वही दही की जो हल्की हल्की स्मेल आती है ये वैसा ही दही है। सो गाइज़ हमारे दोनों दही एकदम परफेक्टली तैयार हो गए सर्दियों के मौसम में। सो गाइज़ आप दही कभी भी जमाएं, किसी भी मौसम में जमाएं, बिल्कुल आसान हो गया है दही जमाना। सो गाइज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।